जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीएसईबी की तरफ से एसटीईटी की परीक्षा हुई, परीक्षा समाप्त हो गई। अब पेपर वन का यहाँ पर जो है आज रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था जिसमें बताया था कि 12 तारीख से लेकर, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे जारी किया जाएगा। किसके लिए? तो ये देखिएगा, यहाँ पर 12 जुलाई से और ये 15 जुलाई तक, ये डेट मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा 17 जुलाई से 20 जुलाई तक पेपर टू का रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाएगा। और उत्तर कुंजी के लिए आप आपत्ति कर सकते हैं, मतलब कि आंसर की आपको दिखेगा और उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ये आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देखने को मिलेगी। ये जानकारी हमने आपको कल दिया था, तो आज लिंक एक्टिवेट हो गया है। कैसे देखना है अपना रिस्पॉन्स शीट, आंसर की आउट हुआ है जो, और ऑब्जेक्शन कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब आपको आना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ये लिंक दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी यहाँ से देना चाहूंगा कि जिन छात्रों का यहाँ पर एडमिट कार्ड, मतलब जो भी नहीं ओपन हो रहा, रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अभी वेबसाइट में ग्लिचेज है और सब सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स शीट नहीं खुल रहा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर ओपन हो रहा है और वो अपना देख सकते हैं, लेकिन साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, इन सभी का पेपर वन का अभी पेपर ओपन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की ओपन नहीं हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, थोड़ा इंतजार कीजिए। और बीएसईबी को हमने ट्वीट भी किया है, आप लोग भी ट्वीट कर लीजिएगा, तो जल्द ही आप लोग का आंसर की ओपन होने लगेगा। तो हो सके तो रात में आपका आंसर शीट यहाँ पे ओपन होने लगेगा और आप इसके लिए आपत्ति भी कर सकेंगे। इसलिए घबराना किसी को नहीं है, ये मैं आपको पहले जानकारी दे दूंगी। तो ये आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, ऑब्जेक्शन एसटीईटी करके, तो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और जिस दिन आपने डेट डाला है, एग्जाम दिया है, उस डेट का यहाँ पे डेट डालना है। तो ये पेपर जो है आपका 9 जून से लेकर जो है 29 मई तक हुआ है पेपर वन, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट करना है कि कब आपका एग्जाम हुआ है, और जो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा ना, एक बात ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालना है। जैसे कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए कि 2 जुलाई, तो 2027, है ना, 02079090, है ना, तो 1990 इस तरीके से डालिएगा। इसमें बीच में हाइफन वगैरह मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ जो आपका एग्जाम है वो डाल दीजिएगा, किस डेट में आपका एग्जाम हुआ है। तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक छात्र का यहाँ रिस्पॉन्स डाउनलोड कर लिया है, और इनका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कोड 132 है ना, जनरल फिजिकल एजुकेशन का इनका सब्जेक्ट है। तो इनका डाउनलोड हो गया, और हो सकता है कि ग्लिचेज है, इसलिए कुछ टाइम के लिए ये डाउनलोड भी हो रहा है और किसी का डाउनलोड नहीं भी हो रहा है। इनका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 29 मई है, और बैच टाइम जो था इनका सुबह 10 बजे से 12 बजे का था, मतलब कि इनका जो एग्जाम डेट था, है ना, एग्जाम टाइमिंग था। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेंगे, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या किया है वो आपको यहाँ दिखेगा, कि जो भी कैंडिडेट ने क्या उत्तर दिया, और जो करेक्ट उत्तर है वो यहाँ दिखेगा। तो अगर जो करेक्ट उत्तर है मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 3, और यहाँ पे ये आंसर सही है, और आपने लगाया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, लेकिन आप पूरी तरह से कंफर्म है कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन कैसे करना है, हाउ टू ऑब्जेक्शन फॉर द एनी क्वेश्चन, तो ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अ चैलेंज ये लिखा हुआ है, क्रिएट अ चैलेंज मतलब कि आपको चैलेंज करना है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा, व्यू चैलेंज। आप चैलेंज करके आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन के लिए किए हैं, पेमेंट यहीं पे करना होगा व्यू चैलेंज में ही। हर क्वेश्चन के लिए आपसे ₹50 चार्ज किया जा रहा है। और व्यू रिस्पॉन्स मतलब कि उसके बाद रिस्पॉन्स आपको देखिएगा इसका, है ना, कि हाँ आपने चैलेंज कर लिया है, फिर उसको लॉग आउट कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए, एक बार तो पहले अपने आंसर्स को मिलाइएगा, आंसर की को मिलाइएगा, और थोड़ा सा मेमोरी के आधार पे देखिएगा कि आपने उत्तर जो सही किया वो सही है या नहीं है, वो गलत है या सही है, ठीक। ये चीजें जानकारी आपके ध्यान जहन में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अब लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो ग्वालियर में हुई थी 1957 में, और इनका भी उत्तर वही है जो कि यहाँ पर बीएसईबी आयोग ने इसको उत्तर सही माना, ठीक है, तो इनका उत्तर सही है, तो इसके लिए चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन कहीं पे इनको लग रहा है कि हाँ मेरा जो, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो इसमें जो है खेल शिक्षक बनने के लिए इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए,
इन्होंने लगाया है जो कि बीपीएड जो है बीपीएड होना चाहिए, लेकिन जहां पर देखिएगा तो ये सिर्फ सोचे होंगे कि ये बैचलर डिग्री, लेकिन यहाँ पे डीपीएड भी खेल से संबंधित ही डिग्री है, और एमपेड यानी कि मास्टर डिग्री जो कि है ये भी खेल से संबंधित। तो ऑल ऑफ एबव उत्तर सही होगा, तो ऑल ऑफ एबव जो है आपका उत्तर यहाँ पे आयोग ने सही माना है इसको, है ना, कि बैचलर पीईडी या डिप्लोमा पीईडी या मास्टर पीईडी जो है आप जो किए हैं तो इन सभी से आप जो है खेल शिक्षक बन सकते हैं इन डिग्री से, तो इनका उत्तर गलत हो गया यहाँ पे। तो ये इसके लिए चैलेंज नहीं करना है, ये सारा चीज मिलाइएगा, गूगल से भी चेक कर लीजिएगा, अपने आंसर्स को मिलाइएगा कितना उत्तर आपका सही हो रहा है, इसके बाद देखिएगा कि हाँ हमको कितने क्वेश्चन पे आपत्ति करना है। अब आपत्ति आप जो है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पे कीजिएगा, नहीं तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे, है ना। और आपको कैसे करना है चैलेंज, तो देखिए ऊपर आइएगा, सपोज मान लीजिए क्रिएट चैलेंज पे हमने क्लिक किया, अब देखिए इन्होंने जो है इनका ये ऐसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आपको करना है चैलेंज, तो चूज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड यहाँ से आपको चूज करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन आईडी, कौन से क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे जो है आपत्ति करने जा रहे हैं, और चैलेंज फॉर ऑप्शन मतलब कि किस ऑप्शन पे आप जो है चैलेंज करेंगे, जो आयोग ने यहाँ पे दिया जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 3 को दिया है तो 3 पे आप चैलेंज करेंगे, लेकिन आपका जो उत्तर है वो 4 है, तो 4 बदली चैलेंज ऑप्शन जो है 3, तो ये डालिएगा यहाँ पे। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे इनका सब्जेक्ट रहा है जनरल फिजिकल एजुकेशन का, तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर क्वेश्चन आईडी पूछेगा कौन से क्वेश्चन पे है, तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5 पे है ना, क्वेश्चन आईडी नंबर 305। फिर जो है चैलेंज किस पे करना है, तो आपको मान लीजिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो है उस पे करना है, या फिर ऑल ऑफ ऑप्शन आंसर आर रॉन्ग फॉर अ क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि सभी क्वेश्चन ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन भी गलत है या फिर आंसर गलत है, ये दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन या आंसर आर रॉन्ग फॉर द क्वेश्चन, तो आंसर अगर गलत है तो यही दीजिएगा, या मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, या आंसर इज इन क्वेश्चन दिया गया है, या सेम ऑप्शन रिपीट किया गया है, तो इसलिए ये भी आप कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। और रॉन्ग एम्बिशियस क्वेश्चन मतलब रॉन्ग है और जो है एम्बिशियस क्वेश्चन है ये, है ना, तो इस पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो आपको जैसा लगता है इनमें से चारों ऑप्शन उसको आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप अगर डालेंगे कि ऑल ऑफ ऑप्शंस या फिर आंसर्स आर रॉन्ग फॉर क्वेश्चन, जैसे कि एक से ज्यादा उत्तर दिया है सही वाला, तो करेक्ट ऑप्शन इज, तो करेक्ट ऑप्शन इज पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पर, तो पूछेगा कि आपका जो है जो आंसर है वो क्या है, चूज योर आंसर, चैलेंज योर आंसर, तो आंसर नंबर आपको लगता है 4 है तो आप 4 पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे जो है चैलेंज डेट पेपर 1 क्वेश्चन आईडी दिखेगा, जिसके अगर आप फाइनल पेमेंट करते हैं तब, है ना, या व्यू चैलेंज पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और या व्यू रिस्पांस पे क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और हर क्वेश्चन के लिए आपको ₹50 यहाँ पे पेमेंट करने का आएगा ऑप्शन, तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, मुझे यहाँ पे किसी का चैलेंज नहीं करना है, किसी छात्र का है ये, है ना, तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा, पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने बिहार एसटीईटी पेपर 1 का जो भी क्वेश्चन आंसर आया हुआ है, आपके पास रेस्पॉन्स शीट आया हुआ है, उससे जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने का लास्ट डेट 17 तारीख है पेपर 1 के लिए, है ना, और उसके बाद 17 से लेकर 20 तारीख तक पेपर 2 के लिए शुरू होगा, तो जैसे ही वो अपडेट आएगा उसको भी हम साझा करेंगे। लेकिन आप लोगों को फिर से मैं कहूंगा कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर शीट यानी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।